परम सत्कार योग गुरु की साचिन वाजी सात संगत को प्यार भरा राधास स्वामी जी। सात संगत जियो, अक्सर हम बाबा जी महाराज जी के सत्संगों में स्वामी जी महाराज जी की तुक को बहुत ज़्यादा सुनते हैं, जो तुक है, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो है धाम निज अपना। सात संगत जी, आज का सत्संग ये स्वामी जी महाराज जी की वाणी में से लिया जा रहा है और आप संत मत के मतलब बड़ा खोल कर समझाएंगे। गुरु और नाम भक्ति, सत्संग के वचन, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, ये श्री हुजूर स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। इस छोटे से शब्द के अंदर आप अच्छी तरह खोलकर समझाते हैं कि परमात्मा किस जगह है और किस तरह परमात्मा की पूजा करनी है, भक्ति करनी है। आप फरमाते हैं कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे शरीर के अंदर है, वह हमारे देह और हमारे वजूद के अंदर है। हर एक महात्मा ने समझाया है कि अगर कोई प्रयोगशाला है जिसके अंदर जाकर हम मालिक की खोज कर सकते हैं, भक्ति और पूजा कर सकते हैं, वह केवल हमारा शरीर है। बाहर से ना तो आज तक किसी को कुछ प्राप्त हुआ है, ना कभी हो ही सकता है। ऋषियों मुनियों ने हमारी देह को नर नारायणी देह कहकर समझाने की कोशिश की है। ये वह देह है जो नारायण ने खुद पैदा की है और जिसके अंदर ही हमारी रूह को नारायण होने का फक्र प्राप्त हो सकता है। हजरत ईसा ने हमारे शरीर को टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जीवित परमात्मा का मंदिर कहकर समझाया है। गुरु अमरदास जी भी कहते हैं, हरि मंदिर ए शरीर है ज्ञान रतन प्रगट होए। आप जी कहते हैं, हरि मंदिर उसको कहते हैं जिसके अंदर हरि रहता है, क्योंकि वह हमारे शरीर के अंदर रहता है और शरीर के अंदर ही उसकी प्राप्ति होती है। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं कि ये शरीर ही सच्चा हरि मंदिर है और जब भी आपको मालिक से मिलने का ज्ञान या अनुभव होगा, केवल इसी शरीर के अंदर से ही होगा। हमारा रूहानी सफ़र पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक है। इस सफ़र की दो मंजिलें हैं, एक आँखों के नीचे और दूसरी आँखों के ऊपर। आँखों तक हमें अपने ख्याल को सिमरन और ध्यान के ज़रिए इकट्ठा करना है। इससे आगे ख्याल और शब्द के साथ जोड़कर मंजिल दर मंजिल अपने घर की ओर जाना है। हमारे शरीर के अंदर जो रूह और मन की जगह है, जिसको कोई शिव नेत्र कहता है, कोई तिल कहता है, कोई दिव्य चक्षु कहता है, कोई घर दर कहता है, कोई घर दर कहता है, कोई मुक्ति का दरवाज़ा कहता है, वह जगह हर एक की आंखों के पीछे है। इस जगह से ख्याल उतरकर नौ द्वारों के रास्ते सारी दुनिया में फैल जाता है। यहाँ बैठे कभी हमें बाल बच्चों का ख्याल आता है, कभी घर के कारोबार का ख्याल आता है, कभी दुकानों का, ग्राहकों का ख्याल आता है। मन कभी किसी का खाली नहीं बैठता, किसी न किसी सोच और विचार में हम फंसे ही रहते हैं। ये जो सारा दिन हमारे मन को सोच और विचार करने की आदत पड़ी हुई है, इसी को महात्मा सिमरन करना कहते हैं। सिमरन करने की हमें हर एक को आदत पैदा हो चुकी है। आप कितनी ही अंधेरी कोठरियों में अपने आप को क्यों ना बंद कर लें, आप उस स्थान पर नहीं होंगे। आपका ख्याल सारी दुनिया के अंदर फैला होगा। फिर जिसका सिमरन करते हैं, उसकी शक्ल भी हमारी आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती है।
अगर बेटे बेटियों का सिमरन करते हैं, बेटे बेटियां आंखों के आगे आ जाएंगे। अगर घर के कारोबार का सिमरन करते हैं, घर के कारोबार आंखों के आगे आ जाएंगे। इसको महात्मा ध्यान करना कहते हैं। जिसका भी सिमरन करते हैं, उसी का ही हम ध्यान करना शुरू कर देते हैं। जिसका भी सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, उसके साथ हमारा प्यार पैदा हो जाता है। इन शक्लों और पदार्थों के साथ हमारा इतना मोह या प्यार पैदा हो जाता है कि रात को हमें सपने भी उन्हीं के आते हैं और मौत के समय उनकी ही शक्लें सिनेमा के स्क्रीन की तरह आगे घूमती रहती हैं। फिर कहते हैं, जहां आसा तहां बासा। जिधर हमारा आखिरी समय ध्यान होता है, हम दुनिया के जीव उसी रो में बहना शुरू कर देते हैं। ये कौन सी चीज हमें बार बार देह के बंधनों में लाई? ये दुनिया का मोह या प्यार, यही हमें बार बार देह के बंधनों में लाता है। ये किसने पैदा किया? ये सिमरन और ध्यान ने पैदा किया। किसके सिमरन और ध्यान ने? दुनिया के सिमरन और ध्यान ने। महात्मा हमें अक्सर समझाते हैं कि इनमें से हर एक को नाश हो जाना है भाई, हर एक को फना हो जाना है, और आप इन नाशवान चीजों का सिमरन और ध्यान करके इन नाशवान चीजों के साथ प्यार कर बैठे हैं। इनका प्यार हमें बार बार देह के बंधनों की ओर खींचकर ले आता है। महात्मा कहते हैं कि मन को सिमरन और ध्यान की कुदरती आदत पड़ चुकी है। आप मन की इस आदत से फायदा उठाएं। सिमरन को सिमरन काटेगा और ध्यान को ध्यान काटेगा, लेकिन आप उस चीज का सिमरन करें, ध्यान करें, जिसे कभी नाश नहीं होना, कभी फना नहीं होना। वह कौन है? वह केवल एक परमात्मा है, अकाल पुरख है, वाहे गुरु परमेश्वर है। महात्मा उस परमात्मा के नाम का सिमरन करने का तरीका बताते हैं। हमें महात्मा के समझाने के अनुसार सिमरन और ध्यान के जरिए अपने फैले हुए ख्याल को वापस लाकर आंखों के पीछे इकट्ठा करना है। जिस वक्त ख्याल आंखों के पीछे इकट्ठा होना शुरू होता है, क्योंकि हमारे ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा होने की आदत नहीं है, ये बार बार नीचे इंद्रियों के भोगों की ओर दौड़ता है। जितनी देर हम इसको किसी न किसी के स्वरूप का ध्यान नहीं देते, हमारे ख्याल को यहाँ ठहरने की आदत पैदा नहीं होती। किसके स्वरूप का ध्यान करना है? आप स्वयं ही सोचकर देख लें कि जिसके स्वरूप का ध्यान करेंगे, उसी के साथ हमारा मोह पैदा हो जाएगा, और जहां वह जाएगा उसके प्यार के बंधे हमें भी वहीं जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए हम सोच और विचार करते हैं कि इस दुनिया के अंदर कौन सी चीज हमारे ध्यान करने के काबिल हो सकती है। मालिक के स्वरूप का किसी को पता नहीं, क्योंकि परमात्मा को तो कभी किसी ने देखा ही नहीं। जिस चीज को हमने कभी हम देखते देखा ही हैं नहीं, कि जिसकी सारी शक्ल का दुनिया पता ही पांच नहीं, तत्वों की बनी रंग हुई रूप है, का पता पृथ्वी नहीं, है, हम उसका पानी ध्यान है, किस प्रकार अग्नि कर है, सकते हैं हवा है, और आकाश किस है, चीज का ध्यान हर चीज करें के अंदर जिससे कोई ना कोई हमारा तत्व तत्व उस मौजूद मालिक है, की भक्ति की हमारे अंदर ओर पांच पलट तत्व सके। है। इसलिए इस महात्मा चीज हमें पर सोच सोच और तत्वों विचार का करने के पुतला लिए भी कहते सारी हैं, और सृष्टि को हमें टॉप आंखों की ऑफ द क्रिएशन क्रिएशन अच्छी तरह यानी सोचते सृष्टि हैं का कि सरताज सरताज भी भी कहकर कहकर याद कौन सी करते चीज हैं। हमारे ध्यान पहली के काबिल श्रेणी हो उन सकेगी? जीवों की है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद है। ये जो भी सब्जियां और वृक्ष आदि हैं, इनके अंदर पानी का तत्व है। आप सोचें, अगर हम पांच तत्वों के पुतले होकर इन वृक्षों का, फलों का, पत्तों का, सब्जियों का, तुलसी के पत्तों का ध्यान करना शुरू कर देंगे, तो हम उन्नति किस प्रकार कर सकेंगे? जहां आसा तहां बासा। जिसका ध्यान करेंगे, उसके साथ ही हमारा मोह प्यार पैदा हो जाएगा, और वह मोह या प्यार हमें उस स्तर पर और वह मोह या प्यार हमें उस स्तर पर ही ले आएगा।
इसलिए ये जो वनस्पति संसार है, इसमें से कोई भी चीज हमारे ध्यान करने के काबिल नहीं है। जो दूसरी श्रेणी है वह बिच्छू या सांप आदि है, इनके अंदर पृथ्वी और अग्नि के तत्व मौजूद हैं, इसलिए ये चीजें भी हमारे ध्यान के काबिल नहीं हो सकेंगी। इसलिए ये चीजें भी हमारे ध्यान के काबिल नहीं हो सकती। तीसरी श्रेणी पक्षियों की है, उनके अंदर तीन तत्व हैं, हमारे अंदर पांच तत्व हैं। अगर हम गरुड़ घुग्गियों या चिड़ियों का ध्यान करेंगे तो हम गरुड़ घुग्गियां या चिड़ियां बन जाएंगे। हम तो इंसान के जामे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, इनका ध्यान धरकर उल्टा नीचे के जामों में चले जाएंगे। चौथी श्रेणी चौपाइयों जानवरों की है, जिनके अंदर सेंस नहीं होती, बुद्धि नहीं होती, बाकी सब तत्व मौजूद होते हैं, इसलिए भैंसे, गायें और घोड़ियां हमारे ध्यान के काबिल नहीं हो सकती। पांचवी श्रेणी खुद इंसानों की है और वे पांच तत्व आपको पता है, हम सबके अंदर मौजूद है। इंसान इंसान का ध्यान करे तो क्यों करे, खासकर आजकल के जमाने के अंदर जब हम सभी के एक जैसे अधिकार हैं। भैंसों व गायों की बोली हमारी समझ में नहीं आती, देवी देवता किसी ने देखे नहीं, मालिक के स्वरूप का किसी को पता नहीं। इस नुक्ते पर आकर हम बड़ी सोच में पड़ जाते हैं कि भाई इस सृष्टि के अंदर कौन सी चीज है हमारे ध्यान के काबिल, जिसका हम ध्यान कर सकें। तो हुजूर महाराज सावन सिंह जी ने बड़ा ही खोलकर बयान किया है कि भाई एक कमरे के अंदर आप बहुत से रेडियो रख दें जिनका कनेक्शन किसी बिजली या बैटरी के साथ ना हो, तो आप कभी किसी देश की खबरें नहीं सुन सकते। अगर उनका कनेक्शन बिजली या बैटरी के साथ कर दें, जिस देश की चाहें खबरें सुन सकते। हमें मालिक के उन भक्तों और प्यारों के स्वरूप का ध्यान करना है जिनका संबंध मालिक के साथ जुड़ा हुआ है। हम उनके स्वरूप का ध्यान करते हैं और उनके स्वरूप के बंधे हुए हमारा भी ख्याल उस मालिक की भक्ति में लग जाता है। उन गुरुमुखों का, मालिक के भक्तों व प्यारों का जो असली स्वरूप होता है वह शब्द है, नाम है। उनका असली स्वरूप भी शब्द या नाम है और हमारा असली स्वरूप भी शब्द या नाम है। ये जो शरीर है ये तो सेवक को भी यहीं छोड़ जाना है, गुरुमुखों ने भी यहीं छोड़ जाना है, लेकिन जो सेवक जिस्म के अंदर बैठकर गुरुमुखों के जरिए अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़ लेता है, वह शब्द सेवक की आत्मा को नहीं छोड़ता, सीधा जाकर परमात्मा के अंदर समा जाता है। इसलिए गुरु नानक साहिब जी ने फरमाया है, शब्द गुरु सुरत तुन चेला, यानी शब्द आप सभी का गुरु है और सुरत शब्द की सेवक है और सुरत शब्द की सेवक है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने जोर देते हुए कहा है, ऐसे शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी महात्माओं की खोज करनी है जो स्वयं उस शब्द या नाम की कमाई करते हों और हमारे ख्याल को उस शब्द के साथ नाम के साथ जोड़ दें। गुरु अर्जुन साहिब ने कहा है, गुर की मूरत मन में ध्यान, कि गुरुमुखों की मूरत यानी स्वरूप को अपने मन में रखना है। आप समझाते हैं, हरि का सेवक सो हरि जिया, भेद न जानो मानस देहा। मालिक के भक्त, मालिक के प्यारे, मालिक की भक्ति करके मालिक का रूप हो जाते हैं। उनके अंदर और परमात्मा के अंदर कोई भेद नहीं रहता। उनका परमात्मा के साथ क्या संबंध होता है, जीव जल तरंग उठ बहु भाती, फिर सलल समायदा। आप जी बड़ी सुंदर मिसाल देते हैं कि समुद्र में दो चार मिनट के लिए एक लहर उठती है
और वह वापस जाकर समुद्र में ही समा जाती है। जो एक लहर का समुद्र के साथ संबंध है, वही मालिक के भक्तों व प्यारों का मालिक के साथ संबंध है। संत महात्मा उस सतनाम समुद्र की लहरें होते हैं। वे दुनिया में आकर शब्द या नाम का होका देते हैं, शब्द या नाम का प्रचार करते हैं और हमें शब्द या नाम के साथ जोड़कर और साथ लेकर उस शब्द या नाम में ही समा जाते हैं। इसलिए हम उन गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करते हैं। गुरु अमरदास जी ने बड़ा खोलकर बयान किया है, एको अमर एका पातशाही जुग जुग सिरे कार वण आई है। वह मालिक एक है और उसका हुक्म और कानून भी सारी दुनिया के लिए एक है। संत महात्मा उसकी भेजी हुई सरकारें हैं जो मालिक के हुक्म के साथ आती हैं, मालिक के हुक्म का प्रचार करती हैं और वापस जाकर उसी हुक्म शब्द या नाम में ही समा जाती हैं। गुरु नानक साहिब जी ने भी बड़ा खोलकर बयान किया है, अंतर ज्योत निरंतर वाणी साचे साहिब सियों लिवलाई। हर एक की आंखों के पीछे एक ज्योति जल रही है और उस ज्योति के अंदर से बहुत मीठी मीठी सुरीली सी आवाज पैदा हो रही है। जो भाग्यशाली आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करके उस ज्योत के दर्शन करते हैं और उस वाणी या शब्द की आवाज को पकड़ते हैं, साचे साहिब सियों लिव लाई, उनका दुनिया से मोह या प्यार निकल जाता है। उनका परमात्मा के साथ मोह प्यार पैदा हो जाता है। उसी ज्योत का वर्णन करते हुए स्वामी जी महाराज ने भी कहा है, बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक यह होना, दुई यह दूर हो जावे दृष्टि ज्योत में धरना। जब आप सिमरन और ध्यान के जरिए ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करेंगे, आपको अपने अंदर ज्योति जलती दिखाई देगी। आपको अपने अंदर उस ज्योति को देखना है। उस ज्योति के दर्शन करने से आपका ख्याल द्वैत से निकलकर एकता में आ जाएगा। हर महात्मा उस आंतरिक ज्योति का वर्णन करता है, उस शब्द की आवाज का वर्णन करता है। इसी को महात्मा ने सच्चा शब्द या सच्चा नाम कहकर याद किया है। गुरु अमरदास जी ने इशारा किया है, बिन शब्द अंतर अनेरा, ना वसत लह न चूके फेरा। आप कहते हैं कि उस शब्द की कमाई के बिना ना तो किसी के अंदर से अज्ञानता का अंधेरा दूर हो सकता है और ना ही किसी का देह के बंधनों से छुटकारा हो सकता है। शब्द की कमाई से मिलना है, जो कुछ मिलना है शब्द की कमाई से मिलना है, नाम की कमाई से मिलना है। वह सच्चा शब्द निर्मल है, वह कभी नाश नहीं होता, वह कभी फना नहीं होता। उस शब्द ने दुनिया की रचना की है, उसके आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। जो कुछ उसने पैदा किया है वह नाशवान हो जाना है, फना हो जाना है, लेकिन वह क्रिएटिव पावर यानी कर्ता शक्ति जिसने सारी दुनिया की रचना की है वह कभी नहीं नष्ट हो सकती। गुरु नानक साहिब जी ने बड़ा खोल कर बयान किया है, शब्द है धरती, शब्द है आकाश, शब्द है शब्द भया परगास, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द है घटे घट आछे। उस शब्द ने धरती पैदा की है, सूरज पैदा किया है, चंद्रमा पैदा किया है, सारी दुनिया की रचना पैदा की है और वह शब्द रूपी कर्ता शक्ति हर एक के अंदर दिन रात धुनकारे दे रही है। जितनी देर हम अंदर अपना ख्याल उस शब्द के साथ नहीं जोड़ते, हम मन और माया के दायरे से पार नहीं जा सकते। हमारी आत्मा और मन की गांठ नहीं खुल सकती।
हमारी आत्मा निर्मल और पवित्र नहीं हो सकती और हम परमात्मा के साथ मिलने के काबिल नहीं बन सकते। इसलिए महात्मा हमारे अंदर उस शब्द या नाम की कमाई करने का इसलिए महात्मा हमारे अंदर उस शब्द या नाम की कमाई करने का शौक पैदा करते हैं। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, शब्दे मरे शब शब शब्दे मरे सो मर रह फिर मरे न दूजी वार। जो लोग उठते बैठते चलते फिरते अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़कर रखते हैं वे हमेशा के लिए मर जाते हैं। उनको बार बार जन्म मरण के दुखों में नहीं जाना पड़ता। गुरु अमरदास जी कहते हैं, शब्द शब्द मरे सोए जन पूरा सतगुर आखे सुनाए सूरा। हमारे सूरमा बहादुर सतगुरु ने यही समझाया है कि जो इंसान उठता बैठता चलता फिरता अपने ख्याल को अंदर नाम के साथ जोड़कर रखता है वह पूरा हो जाता है और पूरे परमात्मा में समाने के काबिल हो जाता है। आप इस शब्द की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, जिन अंतर शब्द आप पछाण्या गत मित तिन ही पाई। यानी जो लोग अंदर शब्द को पकड़कर अपने आप को पहचानते हैं, मालिक को पहचानने की असल युक्ति और जांच भी मालिक को पहचानने की असल युक्ति और जांच भी उन गुरुमुखों को ही प्राप्त होती है। आप जी आगे कहते हैं, आप जी आगे क्या कहते हैं, नाम के रंग में रंग जा मिले तो है धाम निज अपना। अब स्वामी जी महाराज बड़ी सुंदर तरीके से समझाते हैं कि जितनी देर हमारा मन आंखों के पीछे से उतरकर इंद्रियों के भोगों की ओर रुख किए बैठा है, हम हर एक लज्जतों में हम कौमों और मजहबों मुल्कों के रंग में रंगे हुए हैं, धन दौलत के रंग में बड़ी बुरी तरह से फंसे हुए हैं। हमारा मन इन इंद्रियों के भोगों से सुख ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सांसारिक लज्जतों का आशिक है और जो इंद्रियां चाहती हैं इसको अपने घाट पर खींचकर ले जाती हैं। अब स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जितनी देर हमारे मन पर ये रंग चढ़े हुए हैं, हम दुनिया की ओर से आंखों वाले बने बैठे हैं लेकिन मालिक की ओर से अंधे हैं, अपने असली घर की ओर से अंधे हैं, हम अपने आप को भूले बैठे हैं, मालिक को भूले बैठे हैं। बाहर से हम आलिम फाजिल विद्वान गुणी ज्ञानी बने बैठे हैं लेकिन मालिक की ओर से हम बिल्कुल अज्ञानी और बेअकल बने हुए हैं। आप कहते हैं कि जब अपने ख्याल को सिमरन और शब्द के जरिए आंखों के पीछे इकट्ठा करेंगे, ख्याल को अपने अंदर शब्द के साथ जोड़ेंगे, नाम के साथ जोड़ेंगे, मन पर जो दुनिया के सैर रंग तमाशों के बेटे बेटियों के कौमों मजहबों के धन दौलत के रंग चढ़े हुए हैं ये सारे रंग उतर जाएंगे, आपके मन पर मालिक की भक्ति का रंग चढ़ जाएगा, फिर आपको अपने असली घर का भी पता चल जाएगा, आपके अंदर उस असली घर जाने का शौक भी पैदा हो जाएगा। आप जी आगे क्या कहते हैं, गुरु की शरण दृढ़ कर ले बिना इस काज नहीं शरण। अब हम ये तो समझ गए हैं कि परमात्मा हर एक के शरीर के अंदर है और अंदर ही हमें परमात्मा मिलता है। ये भी पता चल गया है कि सिमरन के जरिए आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करना है, गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करके आंखों को अंदर ठहराना है। ये भी पता चल गया कि शब्द की आवाज़ सुनकर अंदर ही रूहानी तरक्की शुरू कर देनी है, शब्द की कमाई के जरिए मन से दुनिया के रंग उतर जाएंगे, मालिक की भक्ति और
प्यार, मालिक की भक्ति और प्यार का रंग चढ़ जाएगा। लेकिन मन में ख्याल आता है कि महात्मा ने बहुत से सत्संग किए, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, क्या हम सत्संग सुनकर उन ग्रंथों, शास्त्रों और पोथियों को पढ़कर अपने आप ही सिमरन और ध्यान नहीं कर सकेंगे और जन्मों जन्मों के सोए हुए जाग नहीं सकेंगे? स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इस काम के लिए हमें गुरुमुखों की शरण हासिल करनी पड़ती है, मन की मत छोड़नी पड़ती है, गुर की मत लेनी पड़ती है। श्री गुरु अर्जुन देव जी भी कहते हैं, जिसका गृह तिन दिया, ताला कुंजी गुर सो पाई, अनेक उपाव करे नहीं पावे, बिन सतगुर शरणाई। आप कहते हैं, भाई जिस परमात्मा ने आपको पैदा किया है, उसने अपने मिलने का तरीका आपके अंदर रखा हुआ है, लेकिन आप मन और बुद्धि के दायरे लेकिन आप मन और बुद्धि के साथ उस रास्ते की जितनी खोज क्यों ना कर लें, जब तक गुरुमुखों की शरण प्राप्त नहीं करेंगे, उनके बताए हुए उपदेश पर नहीं चलेंगे, आप अंदर उस रास्ते पर चलने के अपने यत्न में कभी कायम नहीं होंगे। इसलिए स्वामी जी महाराज ने भी कहा है कि हमें गुरुमुखों की संगति करनी है, उनका सत्संग सुनना है, वे हमें युक्ति और तरीका बताएंगे कि किस तरह मालिक की भक्ति करनी है, किस तरह ध्यान को अंदर शब्द के साथ जोड़ना है। हम एक मैला कपड़ा लेकर रंगरेज के पास जाते हैं, उस पर रंग चढ़ाने के लिए रंगरेज क्या करता है, वह साबुन के साथ, सोडे के साथ कपड़े को अच्छी प्रकार से धोता है। कपड़े को धोकर वह जितनी भी उसके अंदर मैल होती है निकाल देता है। फिर उसके पास रंग से भरा हुआ मटका है, वह कपड़े को उसमें डुबो देता है, जिससे कपड़े पर बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत रंग चढ़ जाता है। हम भी कर्मों, संस्कारों, दुनिया की इच्छाओं से लिपटे हुए महात्मा की संगति में जाते हैं। वे अपनी संगति के जरिए, सिमरन और ध्यान के जरिए हमारे मन की सभी मैलें उतार देते हैं। उनके पास शब्द या नाम के रंग का मटका होता है, वे हमारे मन को शब्द के साथ जोड़ देते हैं, जिससे हमारे मन से दुनिया के रंग उतर जाते हैं, मालिक की भक्ति का रंग, मालिक के प्यार का रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। गुरुमुखों ने घोलकर हमारे अंदर कुछ नहीं डालना, शब्द या नाम की दौलत परमात्मा ने हमारे अंदर हमारे लिए रखी हुई है, लेकिन उन्होंने इशारा करना है, तरीका बताना है, जिससे हमें अंदर ही वह दौलत प्राप्त करने की समझ आ जाती है। आप देखें, विद्या की ताकत हर एक के अंदर मौजूद है, लेकिन वह ताकत हमारे अंदर सोई हुई है। जब हम स्कूलों, कॉलेजों में जाते हैं, अध्यापकों की आज्ञा का पालन करते हैं, रातों को जागते हैं, मेहनत करते हैं, वह सोई हुई ताकत हमारे अंदर जाग उठती है। MBA, MA, विद्वान, गुणी व ज्ञानी बन जाते हैं, जिनके पास वकालत की डिग्री है, इंजीनियरिंग की डिग्री है, उनसे पूछकर देखें अध्यापकों ने कौन सी चीज़ उनके अंदर डाली है। केवल अध्यापकों की संगति और सोहबत से ही वे इतने विद्वान और लायक बन गए हैं। जो डरते हुए स्कूलों, कॉलेजों से दौड़ आते हैं, विद्या की ताकत तो उनके अंदर भी थी, लेकिन वह सोई हुई आती है, सोई हुई चली जाती है। स्वामी जी महाराज प्यार से समझाते हैं कि अपने अंदर मालिक की खोज मन के पीछे लगकर नहीं करनी। जिस रास्ते पर गुरुमुख चलाते हैं, उस पर चलना है। उनके समझाने के अनुसार शरीर के अंदर जाकर मालिक की भक्ति करनी है, मालिक की पूजा करनी है। आप जी आगे क्या कहते हैं?
लाभ और मान क्यों चाहे पड़ेगा फिर तुझे देना। अब स्वामी जी महाराज अगली तुक पर आते हैं कि मालिक की भक्ति केवल मालिक से मिलने के लिए ही करनी है, दुनिया की इच्छाओं दुनिया की तृष्णाओं को पूरा करने के लिए नहीं करनी चाहिए। लोभ रूपी कुत्ता तो सदा मन में भौंकता ही रहता है, ये कभी चुप नहीं होता। जो कुछ परमात्मा ने देना है हर एक के धुर मस्तक में लिखा हुआ है, हमें अपने सारे कर्मों का हिसाब किताब जरूर देना पड़ता है, जरूर देना पड़ेगा। लेकिन अगर नाम की कमाई करेंगे तो मालिक दया मेहर बख्शिश करेंगे, हमारी सूली को सूल कर देता है। हम उन कर्मों का खुशी खुशी हिसाब किताब दे सकते हैं। मालिक की भक्ति नाम की कमाई केवल मालिक से मिलने के कर मालिक की भक्ति नाम की कमाई केवल मालिक से मिलने के लिए करनी है। दुनिया के ग्राहक बनकर, रचना के ग्राहक बनकर, बेटे बेटियों के ग्राहक बनकर, धर्मों और देशों की मान बढ़ाई के ग्राहक बनकर, धन दौलत के ग्राहक बनकर नहीं करनी। अगर इच्छाएं और तृष्णाएं लेकर मालिक की भक्ति करेंगे तो उन इच्छाओं और तृष्णाओं को पूरा करने के लिए इस जगह जन्म लेना पड़ेगा, जहां अच्छी तरह इच्छाओं और तृष्णाओं को पूरा कर सकेंगे। इच्छाएं और तृष्णाएं आपको पता है कि ना आज तक किसी की पूरी हुई हैं, ना कभी हो ही सकती हैं। इसलिए मालिक की भक्ति केवल मालिक से मिलने के लिए करनी है, दुनिया की मान बढ़ाई हासिल करने के लिए नहीं करनी है। अक्सर सत्संगों में ये उदाहरण दी जाती है कि बाप अपने बेटे को थोड़ा सा रुपया पैसा देकर कारोबार में लगाता है। अगर बेटा ध्यान से मेहनत करता है, अपनी पूंजी को बढ़ाता है, बाप उसकी और अधिक मदद करता है, बाप उसकी और अधिक मदद करता है और आखिरी में सारा कारोबार उसको सौंपकर एक तरफ हो जाता है। अगर बच्चा जो कमाता है उससे जुआ खेलना शुरू कर देता है, शराबों कबाबों में खराब करना शुरू कर देता है, तो बाप भी अपना हाथ पीछे खींच लेता है, बच्चे को कुछ भी नहीं देता, बल्कि जो थोड़ी बहुत जायदाद संपत्ति देनी थी उससे भी वंचित कर देता है। इसलिए स्वामी जी महाराज प्यार से समझाते हैं कि दुनिया की मान बढ़ाई में आकर नाम की दौलत को ना खो बैठें, इस अमूल्य धन से खाली ना हो जाएं। इसलिए मालिक की बख्शी हुई दौलत को अपने अंदर ही हजम करने का प्रयत्न करें। अब आगे क्या फरमाते हैं, कर्म जो जो करेगा तू फिर वही भोगना भरना। स्वामी जी महाराज कर्मों के दायरे के बारे में समझाते हैं कि अच्छे से मन में बिठा लें कि ये दुनिया कर्म भूमि है, कर्मा संदड़ा खेत भी बयान करते हैं। जो जो कर्म आप देह में बैठकर करेंगे उन सभी का नतीजा भोगने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। भाई कर्मों का कानून अटल है। अगर अब अपने पेट के लिए दुनिया में लोगों के गले व छुरियां चलाएंगे तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोई ऐसा समय और वक्त आएगा कि हमारी गर्दन उनके नीचे होगी और उनके हाथों में छुरियां और कुल्हाड़ियां होंगी। जो कुछ पीछे हो चुका है भजन सिमरन के साथ उसकी माफी मिल सकती है, लेकिन कम से कम आगे के लिए तो कोई ऐसा बीज ना बोएं जिसके लिए हमें फिर इस देह के बंधनों में आना पड़े। महात्मा सावधान करते हैं कि यहां सोच समझ कर चलना चाहिए। कर्म करते समय हम सोचते हैं कि हमें कौन देखता है, दरवाजे बंद कर लें, रात का अंधेरा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि देखने वाला कहीं दूर नहीं है, हमारे शरीर में ही बैठा हुआ है। उसको तो किसी गवाह की भी जरूरत नहीं पड़ती, किसी जज की भी जरूरत नहीं पड़ती,
किसी सिफारिश की भी जरूरत नहीं पड़ती, जो कुछ वह देखता है उसके अनुसार ही हमें देह में आकर हिसाब किताब भोगना पड़ता है। आगे क्या कहते हैं, जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हम बड़ी बुरी तरह काल के जाल में फंसे हुए हैं, जो कर्म हमने पीछे किए हैं उनका नतीजा अब भोगने में लगे हुए हैं, आगे के लिए फिर वही बुरे और खोटे कर्म कर रहे हैं। हम भूले बैठे हैं कि इनका नतीजा भोगने के लिए फिर यहाँ ही आना पड़ेगा। गुरु नानक साहिब कहते हैं, बाबा जग फाथा महाजाल, हम बड़ी बुरी तरह काल के जाल में फंसे हुए हैं। कोई खुशकिस्मत जीव है जो इस जाल को तोड़कर उस परमात्मा के पास पहुंचता है। इस काल के जाल में से निकलना किसी सूरमे का काम है, किसी बहादुर का काम है। मालिक ने इंसान का जामा केवल इसलिए दिया है कि इससे फायदा उठाकर कर्मों का जाल खत्म कर सकें और रूह और मन की गांठ खुल सके, आत्मा को निर्मल कर सके, वापस जाकर परमात्मा से मिलने के काबिल बन सके। नहीं तो हमारा देह में आने का मकसद ही क्या है? जिस तरह सारे जामों के अंदर खा पीकर हम यहाँ पहुँच गए हैं उसी तरह अब खा पीकर ऐशो इशरत करके आगे चल पड़ेंगे और हमारा जन्म मरण का सिलसिला बना ही रहेगा। अब अगली तुक पर आ रहे हैं, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। हमें कौन हमेशा कर्मों के जाल में फंसाए रखता है? हमारा मन। इसलिए कहते हैं कि जो मन को काबू कर लेता है असली सूरमा तो वही है, असली बहादुर तो वही है। दुनिया में बहादुरों और सूरमों की कोई कमी नहीं है। लोगों ने अपने बाल बच्चों या परिवारों के लिए, दोस्तों के लिए जीवन तक कुर्बान कर दिए, अपने मुल्क के लिए भी, लेकिन उनसे भी बड़ा सूरमा वह है जो अपने ही मन पर काबू पा लेता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, सबसे पहले अपने नफ्स पर काबू पाएं, अपने मन पर काबू पाएं। गुरु नानक साहिब जी ने कहा है, मन जीते जग जीत। अगर आप मन को जीत लेंगे तो सारी दुनिया के बनाने वाले को जीत लेंगे। मन ही तो है जिसके अधीन होकर आज भाई भाई का दुश्मन है, कौम कौम की दुश्मन है, मजहब मजहब का दुश्मन है। आप रोज अखबार तो पढ़ते होंगे, रेडियो में भी अक्सर सुनते होंगे, न्यूज में भी सुनते होंगे कि किस तरह हम एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, कहीं ब्लास्ट हो जाता है, कितने खून खराबे हो रहे हैं। मतलब कि हम न्यूज में सुनते ही रहते हैं, ये जो कुछ भी हमसे करवा रहा है ये कौन है? हमारा मन करवाता है जो कुछ भी करवाता है। इस दुनिया के अंदर ना कोई अपना है ना कोई बेगाना है। वैसे ही किसी को दोस्त किसी को दुश्मन बनाने में लगे हुए हैं, इसी चक्कर में सारी उम्र फंसे रहते हैं। आप जी आगे कहते हैं, बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना कठिना। स्वामी जी महाराज फिर अगली तुकों पर आते हैं कि अगर हमारा बाहर कोई दुश्मन हो, हम उससे बचने के 100 उपाय कर लेते हैं, बंदूकों के पहरे रख लेंगे, तोपों के पहरे रख लेंगे, किलों में बंद हो जाएंगे, घर के बाहर गार्ड लगा देंगे, सिक्योरिटी लगा देंगे, जंगलों पहाड़ों में छिपकर बैठ जाएंगे। लेकिन मन ऐसा चालाक व अकलमंद दुश्मन है जो हमारे अपने शरीर के अंदर बैठा हुआ है। हम इसको छोड़कर कहाँ जा सकते हैं? पता नहीं इसने किस समय हमें धोखा दे देना है, किस समय उंगलियों पर नचाना शुरू कर देना है।
कभी दोस्त बनकर गुमराह कर देता है, कभी दुश्मन बनकर डरा देता है, किसी भी गलत रास्ते पर डाल देता है। इसलिए आप फरमाते हैं कि हमारा असल दुश्मन असल इसलिए फरमाते हैं कि हमारा दुश्मन बड़ा अकलमंद, बड़ा होशियार है, और इसको बड़ी होशियारी के साथ, अकलमंदी के साथ काबू में रखना है। आगे फरमाते हैं, पढ़ो तुम इस ही के पीछे और सब ही जतन तजना, गुरु की प्रीत कर पहले बहुरे घट शब्द को सुनना। आप फरमाते हैं कि मन को काबू करने के लिए सबसे पहले इसकी नेचर, तबीयत या आदत के बारे में हमें बड़ी अच्छी तरह सोच और विचार करना चाहिए। अगर दुश्मन के साथ लड़ाई लड़नी हो तो उसकी हर प्रकार की चालों को अच्छी प्रकार समझना पड़ता है। इसलिए स्वामी जी मन की तबीयत के बारे में समझाते हैं कि ये लज्जत का आशिक है, जितनी देर इसको दुनिया के मोह या प्यार से ऊंचा और निर्मल प्यार नहीं मिलता, ये कभी दुनिया के मोह या प्यार को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता। हम देखते हैं कि एक कंगाल कौड़ियां मांगता फिरता है, अगर हम उसकी एक कौड़ी लेने की कोशिश करें, वह मरने मारने तक जाता है। उसको 10 रुपए या नोट दे दें, उसकी कौड़ियों वाली मुट्ठी अपने आप ढीली हो जाती है। स्वामी जी कहते हैं, हमारा मन लज्जत का आशिक है, जितनी देर आप इसको इंद्रियों के भोगों से, विषय विकारों से, दुनिया के प्यार से, कौमों और मजहबों की मान बढ़ाई से ऊपर प्यार की लज्जत नहीं मिलेगी, ये दुनिया की लज्जतें किसी हालात में छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। जो ऊंची लज्जत है जिसको पाकर मन इन संसारिक लज्जतों को छोड़ता है, वह नाम या शब्द रूपी लज्जत है जो परमात्मा ने हर एक के शरीर के अंदर रखी हुई है। जिस तरह आपने शुरू में समझाया है, हमें सिमरन और ध्यान के जरिए ख्याल को गुरुमुखों के समझाए मुताबिक आंखों के पीछे इकट्ठा करना है और अंदर उस शब्द की लज्जत हासिल करनी है। वह लज्जत इतनी ऊंची व पवित्र है कि उसको हासिल करके हमारा मन अपने आप ही इंद्रियों के भोगों, विषयों और विकारों, शराबों और कबाबों, इन सबको छोड़ देता है। जिसको हीरे जवाहरात मिलने शुरू हो जाते हैं, वह क्यों दर बदर कौड़ियों के पीछे ठोकरे खाएगा। लड़कियां गुड्डियों और गुड्डों के साथ उतनी देर ही खेलती हैं जितनी देर उनकी शादी नहीं होती। शादी के बाद कौन गुड्डियों और कौन गुड्डों की परवाह करता है। गुरु रामदास जी कहते हैं, हर हर नाम अमृत रस मीठा। नाम रूपी अमृत का आनंद दुनिया के भोगों के आनंद को फीका कर देता है, लेकिन वह नाम रूपी अमृत जिसके पिए बिना अमर नहीं हो सकेंगे, वह अमृत हमें स्वयं मेहनत करके अपने शरीर के अंदर से हासिल करना पड़ता है। वह अमृत कौन सी जगह है? आप कहते हैं, 9 दरवाजे 9 दर फीके रस अमृत 10 में चुईजे। आंखों के नीचे नीचे इंद्रियों के भोग हैं, विषय और विकारों, शराबों और कबाबों की, इन सब की लज्जतें हैं। अगर आपने रस से भरे हुए अमृत को पीना है तो वह आपकी आंखों के पीछे बरस रहा है। जितनी देर कोई उस अवस्था तक नहीं पहुंच सकता, आप सोचें अमृत को किस प्रकार पी सकता है, अमर किस प्रकार हो सकता है। उसका जन्म मरण के बंधनों, जन्म मरण के दुखों से छुटकारा किस तरह हो सकेगा। गुरु रामदास जी कहते हैं, नाम मिले मन त्रिपतिये, बिन नामे त्रिग जीवास। ये जो हमारा मन विषय और विकारों, इन सब में फंसाकर हिरण की तरह भटकता और तड़पता फिरता है,
जिस वक्त इसको अमृत भरा हुआ नाम अंदर ही मिल जाता है, इसके अंदर तृप्ति और शांति आ जाती है। अगर देह में बैठकर हमने अंदर ही उस नाम को हासिल नहीं किया, गुरु साहिब कहते हैं कि हमारा देह में आना धिक्कार है। हमारा देह में आने का मकसद ही कभी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए आप हमें धीरे धीरे उस नुक्ते पर लाते हैं कि गुरुमुखों के जरिए, सिमरन और ध्यान के जरिए अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करें और अंदर उस नाम की लज्जत हासिल करें। स्वामी जी कहते हैं, सुरत शब्द कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना। अगर आप मन को काबू करना चाहते हैं तो सुरत शब्द की कमाई करें, नाम की कमाई करें, बाकी सब यतन छोड़ दें, सारे उपाय और तरीके छोड़ दें। ये नहीं कि गंगा में जाकर स्नान कर आएं, यमुना में जाकर स्नान कर आएं, मंदिरों मस्जिदों में जाकर माथे टेक आएं, ग्रंथों पोथियों को, वेद शास्त्रों को भी पढ़ते और पढ़ाते रहें, तीर्थ यात्रा भी करते रहें और जब याद आया घंटा डेढ़ घंटा भजन पर भी बैठ गए कि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ हासिल कर ही लेंगे। हमें इन शंकाओं भ्रमों से ख्याल निकालकर एक मन एक चित होकर शब्द की कमाई करनी चाहिए, नाम की कमाई करनी चाहिए। गुरु नानक साहिब जी ने बड़ा खोलकर बयान किया है, राम नाम मन वेद्या अवर की करे विचार। ये मन जब भी विंधा जाएगा राम नाम से ही विंधा जाएगा और कोई विचार करने की और कोई तरीका सोचने की गुंजाइश ही नहीं है। आप कहते हैं, शब्द सुरत सुख उपजे प्रभ रातो सुख सार। जब सुरत शब्द का अभ्यास करके मालिक के रंग में रंग जाएंगे, मालिक की भक्ति मालिक के प्यार में रंग जाएंगे, तो आपका देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाएगा और आपको मालिक के साथ मिलने का असली सुख असली शांति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए जो कुछ मिलना है शब्द की कमाई और नाम की कमाई से मिलना है। अब अगली तुक पर आते हैं, मान दो बात ये मेरी करे मत और कुछ जतना। फिर उसी बात पर जोर देते हुए कहते हैं, करें मत और कुछ जतना कि अन्य कोई प्रयत्न कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत ही नहीं। केवल दो चीजों की जरूरत पड़ती है कि गुरुमुखों के समझाने के अनुसार सिमरन और ध्यान के साथ ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करें और अपने अंदर ही शब्द की लज्जत हासिल कर लें। जो कुछ मिलना है इसी तरीके पर चलकर मिलना है, इसी साधन के जरिए मिलना है। अब अगली तुक पर आते हैं, हार जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे सुरत को गगना। जितनी देर हमारा मन आंखों के पीछे से उतरकर इन नौ द्वारों के जरिए सारी दुनिया में फैला हुआ है, ये इंद्रियों के भोगों का गुलाम बना बैठा है और जो भी इंद्रियां चाहती हैं इसको अपने घाट पर खींचकर ले आती हैं। जब तक मन इंद्रियों का गुलाम है हम हारे हुए हैं, हमारा मन जीता बैठा है। लेकिन जब गुरुमुखों की संगति और सोहबत में जाकर हम सिमरन और ध्यान के जरिए इसको आंखों के पीछे इकट्ठा करें कि इसको आंखों के पीछे इकट्ठा करके शब्द के साथ जोड़ देते हैं, हम जीतना शुरू कर देते हैं, हमारा मन हारना शुरू कर देता है। गुरु साहिब ने भी यही समझाया है कि जब शब्द की लज्जत आ जाएगी आपका मन हारना शुरू हो जाएगा। अब अगली तुक में क्या समझाते हैं, और सब काम जग झूठा त्याग दे इसी को गहना। स्वामी जी फरमाते हैं कि अच्छी तरह मन में बिठा लो कि आपका देह में आने का असल मकसद क्या है। आपकी असल मंजिल देह के बंधनों से छुटकारा हासिल करना,
मालिक मालिक के साथ मिलाप करना है, और ये काम आप केवल इंसान के जामे में ही कर सकते हैं। खाना पीना आप हर जामे में करते आए हैं। ये ऐशो इशरत, ये बेटे बेटियाँ आपको हमेशा मिलते आए हैं। अगर कोई अनोखी चीज़ है जो पीछे हासिल नहीं कर सके, वह केवल मालिक की भक्ति नाम की कमाई है। इसलिए आप समझाते हैं कि देह में बैठकर कभी अपना काम भी इसलिए आप समझाते हैं कि देह में बैठकर कभी अपना काम भी करें, सारी उम्र प्राय गधे ही ना बने रहें। आपके अपने घर को तो आग लगी हुई है, आपको लोगों की आग बुझाने की दिन रात चिंता लगी हुई है। अपना बोझ हमसे उठाया नहीं जाता और प्राय गधे बने बैठे हैं। अपने आप को भी धोखा देते हैं, दुनिया को भी धोखा देने की कोशिश करते हैं। आप कहते हैं कि बाकी दुनिया के सारे काम झूठे हैं। अगर हम सारी उम्र अपना काम नहीं करते, लोगों का ही काम करते रहेंगे, हमें फ़ायदा क्या प्राप्त हो सकता है? नतीजा ये होगा कि वापस 84 के जेल खाने में गधे बनकर आ जाएंगे। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि देह में बैठकर कभी अपना काम करने की कोशिश भी करनी चाहिए। गुरु अर्जुन साहिब जी कहते हैं, इस पौड़ी ते जो नर चुके सो आए जाए दुख पाएदा। ये इंसान का जामा सीढ़ी का आखिरी डंडा है। कोशिश करेंगे, कमरे की छत पर चढ़ जाएंगे, पैर फिसलेगा, सीधे नीचे आकर गिर जाएंगे। इसलिए हर एक को सोच समझ कर चलना चाहिए। महात्मा ये नहीं कहते कि आपको संसार त्याग देना है, दुनिया छोड़कर जंगलों व पहाड़ों में चले जाना है, दुनिया में रहना है, सूरमा बनकर रहना है, बहादुर बनकर रहना है, लेकिन दुनिया में रहते हुए दुनिया के मैल में लिप्त नहीं होना। अगर शहद की मक्खी शहद के किनारे पर बैठती है तो वह शहद की लज्जत भी ले लेती है, तो शहद की लज्जत भी ले लेगी और खुश्क पंखों के साथ उड़ भी जाएगी। अगर वह बदकिस्मती से शहद में धस जाए तो वह शहद भी नहीं खा सकती और शहद में ही तड़प तड़प कर उसकी जान निकल जाती है। इसी तरह दुनिया के लेन देन का हिसाब भी खत्म करना है और शब्द या नाम की कमाई भी करनी है, ताकि देह में बैठकर अपना कुछ काम बना सकें। लास्ट की तुक में समझाते हैं, कहें राधा स्वामी समझाई, गहो अब नाम की सरना। इस छोटे से शब्द के अंदर स्वामी जी महाराज ने संत मत के बारे में हमें बड़ी अच्छी तरह खोलकर समझाया है कि परमात्मा कौन सी जगह पर है, किस तरह परमात्मा की खोज करनी है, किस तरह परमात्मा की भक्ति करनी है। अंत में आप यही नसीहत करते हैं कि हर ओर से ध्यान हटाकर शब्द के साथ जोड़ना है, नाम के साथ जोड़ना है। इसलिए हमें भी चाहिए कि आपके उपदेश से फ़ायदा उठाकर अपने ख्याल को अंदर शब्द के साथ जोड़ें और नाम के साथ जोड़ें। तो संगत जी, जैसे कि अक्सर बाबा जी महाराज इस वाणी की तुक पर हमें बड़ा खोलकर समझाया करते हैं, तो संगत जी जैसे अक्सर बाबा जी महाराज अपने सत्संगों में इस वाणी की मिसाल दिया करते हैं कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। तो आज का सत्संग हमने इस वाणी के ऊपर श्रवण किया, जो स्वामी जी महाराज की वाणी थी। हमें बड़ा खोलकर बयान किया है कि परमात्मा कहाँ है और हमें कैसे ढूंढना है। तो हमें भी चाहिए कि नाम की कमाई करें और शब्द की कमाई करें, जल्द से जल्द मालिक में मिल जाएं। और बाबा जी के कहे अनुसार जैसे जैसे युक्ति बताई गई है, वैसे वैसे नाम की कमाई करें और शब्द की कमाई करें। बाबा जी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। सभी को राधा स्वामी जी।